Assalamu alaikum. Welcome to Chaltan Life. I am Amna Iftikhar and I am a clinical psychologist. जैसा कि आपको पता है कि माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे होते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इसमें हेल्थ काउंसलर आते हैं, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट आते हैं। तो बेसिकली मैं इस शोबे से तकरीबन पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की है, जिसमें हम क्लिनिकल जो डिप्रेशन, एनजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। इसी के साथ मैं तकरीबन पिछले 9 साल से एक ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर में काम कर रही हूँ, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि आपके खाने पीने को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, या आपके जो ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज हैं हम उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ पर खाने की बात होती है, तो हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि फूड इज़ कॉमन सेंस। हम सबको पता है खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, क्या चीज़ें खानी है। यहाँ पर आप सबको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि फूड इज़ नॉट अ कॉमन सेंस, फूड इज़ एक्चुअली अ साइंस। और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो खा रहे हैं बेसिकली आप अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, और जो आपने अपनी बॉडी को नरिश किया है वही आपके ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। जिसकी सिंपल सी एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डालेंगे तो आपकी गाड़ी फंक्शनल नहीं होती है। आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, तो आपके खाने के पैटर्न, आपकी फूड चॉइसेस आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जो लोग हेल्दी ईटिंग पर होते हैं उन लोगों में मूड स्विंग्स बहुत कम होते हैं, उन लोगों के एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग लेस उनके वल्नरेबल पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता है कि उनको जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो उनका शिकार हो, उनकी टेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी बहुत बेहतर होती है। एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो लोग अपना खाना स्किप करते हैं या अपने खाने की उनकी चॉइसेस जो होती है वो अनहेल्दी चॉइसेस होती है, जिसमें जंक फूड ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बात करूँगी कि एक्चुअली जंक फूड होता क्या है। अक्सर अवकात जब जंक फूड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो आता है बर्गर एंड शवारमास। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वो चीज़ें होती है जो आपके जंक में कंसीडर होती है। तो सिंपलेस्ट एक चीज़ याद रखें कि जंक की डेफिनेशन है हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट फूड। जितने वो खाने, वो जूसेस, वो ड्रिंक्स, वो सोडा ड्रिंक्स जिनमें हाई शुगर कॉन्टेंट पाया जाता है वो जंक में कंसीडर होती है। एंड सेम ऑन द अदर हैंड हर वो चीज़ जिसमें हाई सॉल्ट पाया जाता है, जिसमें आपके बर्गर्स आ जाते हैं, उसमें आपकी पैटीज आ जाती है, उसमें सारा फ्राइड स्टफ आ जाता है, वो सारी चीज़ें जंक होती है। अब जंक की डेफिनेशन में एक तो हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट आ जाता है, सेकेंडली जंक की डेफिनेशन होती है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत कम होती है। कि आप खाना तो खा रहे हैं, आपकी बॉडी को कैलोरीज तो मिल रही है, बट वो आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रही है, वो एनर्जी नहीं दे रही है। तो जो आप खा रहे हैं एक्चुअली वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ एंड सेकेंडली आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। तो अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपने अपने खाने की चॉइसेस को स्मार्ट चॉइसेस पर लेकर जाना है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जिसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। अब माइंडफुल ईटिंग क्या है कि अक्सर हमने ये फैमिलीज में देखा है, हमारे यहाँ आजकल तो डाइनिंग टेबल कब यूज़ होता है, जब आपके घर को मेहमान आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी फैमिली मेम्बर आया, उसने अपना खाना लिया है, कोई अपने कमरे में चला गया, किसी ने टीवी लाउंज में बैठ के खाना शुरू कर दिया है। अब उससे होता क्या है कि एक तो आप ज़्यादा खाते हो और दूसरा आप इमोशनली वीक होना शुरू हो जाते हो। तो इसलिए माइंडफुल ईटिंग को लेकर चले, जितना आप माइंडफुली खाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जेटिक एंड हेल्थी फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ बी कनेक्टेड विद आवर चैनल चिंतल लाइफ। थैंक यू।